नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। गलत बिजली बिल में अविलंब सुधारो, गणेश दत्त। बिजली बिल गड़बड़ी को लेकर पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेताओं के द्वारा क्षेत्र में समस्या ग्रहण किया जा रहा है। बिल में सुधार, प्रीपेड मीटर में तकनीक के स्तर पर जांच सुनिश्चित करने, कई बार मंझौल सिविल SDO एवं मंझौल कनीय अभियंता से आप नेता श्री गणेश दत्त ने बातचीत कर जन समस्याओं से अवगत कराया। आम आदमी पार्टी के चेरिया बरियापुर विधानसभा प्रभारी श्री गणेश दत्त ने जानकारी देते हुए कहा कि बिजली कंपनी के अधिकारियों के द्वारा मनमानी किया जा रहा है। कई मामले ऐसे देखे गए हैं कि बिना नोटिस दिए, बिना डिस्कनेक्शन किए LD लगा दिया जाता और स्थानीय फ्रेंचाइजी के द्वारा अवैध वसूली भी किए जा रहे हैं। कहीं BPL परिवार का बिजली बिल 50,000 से लाखों तक है। गंगा सिंह APL परिवार मंझौल का बिजली बिल 1.5 लाख आया है। वालेश्वर महतो खोदा बंदपुर BPL परिवार का बिल 91,999 है। मंसूर आलम दौलतपुर BPL परिवार का बिल 47,514 एवं अशोक साहब BPL परिवार मंझौल का 70,237 का बिजली बिल आया है। इस तरह से क्षेत्र के हजारों लोगों का बिल लाखों से ऊपर आया है। पार्टी के क्षेत्रीय युवा नेता अभिषेक अनुराग ने बताया कि कुल 140 लोगों ने समस्या दर्ज की, जिसमें प्रमुख रूप से उपयोग से अधिक बिजली बिल आना, मीटर के लिए साल भर से आवेदन दिए जाने के बावजूद भी मीटर का नहीं लगना, बिना मीटर बिजली बिल लाखों में आना, 2,000 बकाया वालों का भी बिजली कनेक्शन काट देना जैसी अन्य कई समस्याएं हैं। श्री गणेश दत्त ने जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने बिजली अधिकारियों से बातचीत कर उन्हें कहा है कि पहले बिजली बिल में सुधार करें और गरीब और BPL परिवार का कनेक्शन काटने का काम बंद करें। श्री दत्त ने बेगूसराय DM बेगूसराय कनीय अभियंता को पत्र लिखकर उन्हें बिजली सुधार कैंप प्रत्येक पंचायत में लगाने एवं कनेक्शन काटने पर रोक लगाने की मांग की है। पार्टी के जिला पंचायत प्रभारी श्री शिवदयाल जी ने बताया कि अगर 45 दिनों में बिलों में सुधार नहीं किया गया तो पार्टी के द्वारा जिलों में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा और यह एक आंदोलन का रूप ले सकता है। आप नेताओं की मांग है कि कोरोना काल में लोग बेरोजगार हैं, अतः पहले बिलों में सुधार किया जाए, विलंब अधिभार माफ किया जाए, कोरोना काल का बिल माफ किया जाए एवं लोगों को बिल जमा करने के लिए कुछ समय दिया जाए। आइए देखते हैं बेगूसराय से अविनाश कुमार गुप्ता की ये पूरी रिपोर्ट। मुलाकात की तो उसको अविलंब जोड़ा गया था। तो इस तरह की कार्रवाई जो होती है विभाग के द्वारा, इसमें क्या करेगा? देखिए, ये कार्रवाई इसमें हम यही कह सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी जागरूकता की कमी है। अब DL कर दिया जाता है, डिसकनेक्ट कर दिया जाता है लाइन, जबकि खंभा से उसको डिसकनेक्शन नहीं किया जाता है, लेकिन पेपर पे इनके ऑफिस में उसको LD लगा देते हैं उसको। अब वहाँ जाके इनका अधिकारी, इनका फ्रेंचाइजी मुख्य रूप से इसमें खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं कि वो जाके उनको कहते हैं कि आपका DL लग गया, कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो आप 2,000 रुपये दो तो हम इसको FIR नहीं करेंगे। मीटर की जो समस्या बनी हुई है ग्रामीण खासकर, इसको उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है, माना है कि मीटर गलत रीडिंग दे रहा है और अविलंब प्रीपेड मीटर लेके वो लोग आ रहे हैं, लेकिन इसको आने में 2-3 महीना का समय लगेगा। अभी तब तक मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है, उनसे गुजारिश किया है और हिदायत भी हम लोगों ने दिया है कि आप उनको डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। कल मेरी बात हुई है फ़ोन पे, उन्होंने अगर जो भी आश्वासन दिया अधिकारी या गवर्नमेंट के, जी जी जी, अगर वो अपने बातों पे खड़े नहीं उतरते हैं तो आप क्या करेंगे? हम लोगों का जो अगला स्टेप होगा, अगर जनता को राहत नहीं मिली इस बिजली बिल, इस गलत बिजली बिल से, तो हम लोग और निश्चितकालीन नित्यानंद चौक पे हम लोग धरना करेंगे। हजारों की तादाद में लोग वहाँ बैठेंगे और तब तक हम लोग बैठे रहेंगे जब तक इसको पूरी तरह से सुधार नहीं कर दिया जाता है। जी, इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।